हेलो यार, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और RRBPO के लिए तो अब खत्म हो गई होगी क्योंकि 5 और 6 को आपका पेपर है और आपने अपना जितना 100% देना था ना, आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपने अपनी तैयारी में डाल दिया है। आप मतलब जितनी आपकी एफिशिएंसी थी आपने कही उससे ज्यादा जगह के तैयारी करी और आपकी तैयारी बहुत ही टॉप नॉच लेवल पे। आपको सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस खुद में लाना पड़ेगा। इस सेशन में मैं आपके साथ कोई भी आपके स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपना मॉक टेस्ट या सॉरी पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें मैं आपके साथ 2 मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करना है आपके एग्जाम वाले दिन। हर स्टूडेंट इस बात से अग्री कर रहा होगा जो 2 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्टली बच्चे ये गलतियाँ करते हैं और एक स्टूडेंट टेंडेंसी अगर हम देखें ना तो वो बनता है, हमारा हो जाता है कि मैंने एक बार कर लेते क्या क्या चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम प्री माइंडसेट के साथ एग्जाम देने ना जाएं। प्री माइंडसेट के साथ एग्जाम देने मतलब अगर मैं मॉक टेस्ट में 40 अटेम्प्ट कर रहा था मैथ्स में तो मेरे जरूरी ये 40 ही बनेंगे। पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, तो आप ये मत सोच के कि कैसा भी है मेरे को तो मैथ्स में 40 ही करने या फिर रीजनिंग में 40 ही करने। आप इस माइंडसेट के साथ एग्जाम देने कभी मत जाना कि मतलब मैं मॉक टेस्ट में इतना कर रहा था। आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हो ना, आपने मॉक टेस्ट में जितने पेपर लगाया, आपका जितना टाइम लग रहा था क्वेश्चन बनाने में, आप उतना टाइम उस क्वेश्चन को दो। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के ट्रैप में फंसे जा रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही क्वेश्चन में ट्रैप हो रहे हो, 80% बच्चे 90% बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ना किसी क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं। कोई बच्चा पजल में फंसेगा, कोई रीजनिंग, कोई आपका कैसलेट में फंस जाएगा, कोई किसी अर्थमेटिक में फंसेगा, कोई डीए में फंस जाएगा, कोई किसी को डीए डिकोड करने में शायद से उसने गलती कर दी। तो मोस्टली बच्चे फंसते हैं, तो आपको अपना टाइम लिमिट पता है कि इतने टाइम में मैं क्वेश्चन बना रहा था, तो आप उस टाइम तक देखो नहीं हो रहा आप उस क्वेश्चन को छोड़ के स्किप कर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको ये नहीं चेक करना कि आप जब आपका स्कोर आएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि आपने डीआई बनाया या अर्थमेटिक बनाया, आपके स्कोर कितने हैं वो मैटर करेगा। और सेकंड मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं और मैं अग्री कर मैं भी करता था एक टाइम पे, बट मैं आपसे एडवाइस करता हूँ आपको कि आप मत करना वो गलती कि जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा 5 को उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप ना रिव्यू देखने बैठ जाते हो कि यार भैया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया, क्या रिव्यू आया था, कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरीके का पेपर आया था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था। कौन डिसाइड करेगा डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था? आप पेपर देके आए हो? नहीं ना। पेपर कौन देके, आप उसको जानते हो? नहीं ना। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी आप जानते हो? नहीं। वीकनेस क्या थी? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि पेपर का लेवल इजी है, मॉडरेटेड और डिफिकल्ट है? समझ रहे हो? मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसकी मैथ्स, जिसको अपने मॉक टेस्ट में 20 मार्क पड़ा रहा था, मैथ्स में एग्जाम में गया उससे 18 ही क्वेश्चन बन पाए। क्यों? क्योंकि वो 20 वाली एफिशिएंसी पे वो स्पीड मैथ्स करके ही आ रहा था बार बार, उससे 18 ही क्वेश्चन बन पाए। वो बाहर निकल के क्या बोलेगा? मैथ्स सर बहुत मतलब पसीने छुड़ा देने वाले मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे थे, जबकि क्वेश्चन मैथ्स का ऐसा था कि 35 क्वेश्चन आराम से हर कोई बच्चा बना लेगा अगर वो 20-22 मिनट टाइम देके और उसकी कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छी है। तो 35 क्वेश्चन डुएबल था लेकिन उसने 18 क्वेश्चन बनाए तो उसने बोला डिफिकल्ट है। ठीक है, मान लो किसी शिफ्ट में पेपर सही में डिफिकल्ट आ जाता है, मान लेते कि 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले पेपर आ रहे हैं और एक बच्चा ऐसा जो तुक्के लगाने वाला बच्चा जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है उसको पता ही नहीं है, मतलब एक महीने पहले तैयारी शुरू करी, वो ऐसे एग्जाम देने पहुंच गया, वो 40 अटेम्प्ट कर दिया। उसने क्या बोला? सर पेपर बहुत आसान था, मैंने तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब आपका माइंडसेट क्या बन गया पहले वाले स्टूडेंट के केस में? यार पेपर डिफिकल्ट आ रहा, आप डिफिकल्ट माइंडसेट के साथ पेपर देने चले गए। दूसरे वाले केस में यार उसने तो 40 अटेम्प्ट किए, अब आपके अगर 20 ही अटेम्प्ट होंगे ना, 25 ही अटेम्प्ट होंगे ना, आप जेन्युइन स्टूडेंट भी हो तो आपको लगेगा यार उसने तो 40 अटेम्प्ट कर दिए, कैसे हो गया? मतलब कहीं ना कहीं मैं मेरा पेपर गया। और आप नेक्स्ट सेगमेंट पर तक जाते जाते ना आपका माइंडसेट पूरा मतलब जीरो लेवल पे आ जाएगा, आप पूरे डिमोटिवेट हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप प्री माइंडसेट के साथ मत जानो, पहले ओपिनियन है। और दूसरी चीज कि आप किसी की प्रीव्यू मत दे, रिव्यू मत देखो। आप बोलोगे भैया एक बार क्वेश्चन भी तो जानना जरूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न जाना आप डिफरेंट टेलीग्राम से, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जो अपडेट कर देते हैं कि इस बार मैथ्स क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक के इतने क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के इतने क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स इतने, डीए इतने, डीए में कैसे था कि नहीं था, पजल में इतने इतने लेवल के पजल थे, वो आपको क्वेश्चन बता देंगे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जाके वो चेक कर लो। अगर आपको चेक करनी है तो क्या है। ठीक है, तो यही 2 एडवाइस थी आपके साथ शेयर करनी थी। बिल्कुल फ्री माइंडसेट के साथ जाना, दिस इज योर ईयर, मैं बोल रहा हूँ। आपने जितनी मेहनत करी है, आपने जितनी तैयारी करी, आपने 100% डाल दिया। ठीक है, तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपने डाल दिया, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट देम ओनली। और एग्जीक्यूट अगर सही से हो गया ना तो बुलजाई पे हिट करेगा और इस बार 1 जनवरी 2024 आप सेलिब्रेट कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ विद अ जॉब। ठीक है, इसी माइंडसेट के साथ जाना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, सब उससे ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में। तो होप सो आपका एग्जाम बहुत ही शानदार जाए और इस बार आप क्रैक कर दो RRBPO जो भी आपका अपकमिंग पेपर है सबको क्रैक कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी साइड से सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।